इन्फो फॉर पेशेंट। और ये गॉल स्टोन्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने 18 साल बच्चे की भी लैब को लिखी हुई है और हर एज की भी की हुई है। और गॉल स्टोन्स जो है मेजोरिटी वो कोलेस्ट्रॉल टाइप स्टोन्स होते हैं जिनके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होता है। और एक दफा जब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन जाए फिर इसका एक ही इलाज है, वो है कोलेसिस्टेक्टमी, जो लैप्रोस्कोपिक तरीके से की जाती है। इसलिए इंसिडेंटली गॉल स्टोन्स निकल आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो मुझे निकलवाने की जरूरत नहीं। गॉल स्टोन्स पड़े रहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। मेजोरिटी पेशेंट्स इसको तेजाबियत की या एसिडिटी की शिकायत ही समझ के इग्नोर करते रहते हैं। तो प्लीज इस बात का वेट ना करें कि कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज करें। और छोटे छोटे 2-3 इंसिजन से गॉल ब्लैडर निकल आता है, वॉक शुरू करें, चिकनाई और तली हुई चीजों से परहेज करें और ऐसा ऐसा बॉडी इसको ओवरकम कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना जावेद है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में और शाम के वक्त में अपना क्लिनिक करती हूँ चुगताई मेडिकल सेंटर जेल रोड ऑन मंडेज, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडेज 5 to 7 PM। ऑन ट्यूजडेज ओनली आई एम अवेलेबल एट उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन फ्रॉम 4 to 6 PM। तो आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी गॉल स्टोन्स, जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ हमारी बुक्स में एक बहुत कॉमन जुमला लिखा होता है, अ फैट फर्टाइल फ्लैटुलेंट फीमेल ऑफ 50। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा फैट होते हैं, जो चर्बी या चिकनाई, जिनके अंदर चर्बी बहुत ज्यादा होती है, चिकनाई तली हुई चीजें खाते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और ये गॉल स्टोन्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने 18 साल बच्चे की भी लैब को लिखी हुई है और हर एज की भी की हुई है। अगेन कोई एज एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन ये यूजुअली मिडिल एजेड फीमेल्स में पाए जाते हैं जो टिपेरस हो, उनकी फर्टिलिटी हो, उनकी हाई अच्छी फर्टिलिटी हो, उससे लूज पेंडुलस एब्डोमेन होता है, यूजुअली इनके फैटी होती हैं, उसमें देखी जा सकती हैं। और गॉल स्टोन्स जो है मेजोरिटी वो कोलेस्ट्रॉल टाइप स्टोन्स होते हैं जिनके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होता है, उनके अंदर ये बनते हैं। बाकी पिगमेंट स्टोन्स हैं हेमोलिटिक एनीमिया की वजह से, मिक्स स्टोन्स हैं, लेकिन मेजोरिटी स्टोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। और एक दफ़ा जब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन जाएं और वो अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो जाएं, फिर इसका एक ही इलाज है, वो है कोलेसिस्टेक्टमी, जो लैप्रोस्कोपिक तरीके से की जाती है। बहुत से पेशेंट्स जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं और कहते हैं जी मुझे एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली गॉल स्टोन्स निकल आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो मुझे निकलवाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप ज़रूर निकलवाएं, बिकॉज ये गॉल स्टोन्स पड़े रहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। मसलन दे कैन लीड टू कोलेसिस्टाइटिस और इन द लॉन्ग रन दे कैन इवन कॉज गॉल ब्लैडर कैंसर्स। तो जब भी गॉल स्टोन्स डिटेक्ट हों, चाहे वो सिम्टोमेटिक हों या वो एसिम्टोमेटिक हों, उसका फौरी इलाज लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी है। तो मैं सब लोगों से कहूंगी कि जब उन्हें अपर एब्डोमिनल पेन होती है, इसके लिए वो जरूर अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। मेजोरिटी पेशेंट्स इसको तेजाबियत की या एसिडिटी की शिकायत ही समझ के इग्नोर करते रहते हैं। जब पेशेंट को अपर एब्डोमिनल पेन हो, राइट साइडेड या मिडिल में और पीछे कंधों की तरफ जाए, तो वो प्लीज अपना एक प्रॉपर और अच्छी जगह से अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन कराएं। और उसमें अगर गॉल स्टोन्स नजर आते हैं तो प्लीज इस बात का वेट ना करें कि कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज करें। तो प्लीज जैसे ही आपको गॉल स्टोन्स नजर आते हैं, यू गो टू अ सर्जन एंड यू हैव योर लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी डन। इट्स वेरी इजी। बहुत छोटे छोटे 2-3 इंसिजन से गॉल ब्लैडर निकल आता है और पेशेंट मोबाइल होता है और अगले दिन अपने हंसते खेलते हुए अपने घर मौजूद होता है। पेशेंट पे कोई हेल्थ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? अब पित्ते के अंदर बाइल होता है, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो यूजुअली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो वॉक शुरू करें, चिकनाई और तली हुई चीजों से परहेज करें और ऐसा ऐसा बॉडी इसको ओवरकम कर लेती है। पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए आपका पैगाम? जब भी आपको पेट में दर्द हो, अपर राइट साइड पे कंधों की तरफ जाए, तो तेजाबियत या डाइजेशन की दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि एक दफा डॉक्टर को चेक कराएं, अपना प्रॉपर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराएं और अगर उसमें पथरी आती है तो प्लीज उसको ऑपरेट कराएं। थैंक यू डॉक्टर साहब।